Assalamualaikum friend, welcome back to my channel. आप देख रहे हैं my channel Cricket Fusion. दोस्तों आज बात करेंगे अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में. तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कि आखिरकार अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए कन्फर्म स्क्वाड ऐलान कर दिया. यकीनन दोस्तों पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में कि इसमें कौन से खिलाड़ी शामिल होंगे. पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में. दोस्तों अगर आप भी अफगानिस्तान क्रिकेट के असली फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करो. दोस्तों आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें अफगानिस्तान जिंदाबाद. और यकीनन दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए. तो दोस्तों अगर बात करें अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में, यकीनन दोस्तों जिस तरह बहुत फैंस बहुत ज़्यादा इंतज़ार थे अफगानिस्तान के स्क्वाड के लिए, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया और भी बड़ी टीमों ने अपनी स्क्वाड ऐलान कर दिए, लेकिन अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी आखिरकार अपना स्क्वाड ज़रूर ऐलान कर दिया. यकीनन दोस्तों अगर बात करें इस स्क्वाड में शामिल होंगे राशिद खान जो इस टीम के कैप्टन होंगे, रहमानुल्लाह गुरबज यकीनन एक बहुत अच्छे बल्लेबाज है, हज़रतुल्लाह जाज़ई, उस्मान गनी, असगर अफगान जो कई अरसे के बाद वापस आए हैं, मोहम्मद नबी, नजीबुल्लाह जदरान, हशमतुल्लाह शाहिदी, मोहम्मद शहजाद यकीनन दोस्तों बहुत अरसे के बाद मोहम्मद शहजाद भी वापस आए हैं, मुजीबुर रहमान, करीम जन्नत, गुलबुद्दीन नायब, नवीन उल हक, हामिद हसन, इसके अलावा दोस्तों शरफुद्दीन अशरफ, दौलत जदरान, शाहपुर जदरान, कैस अहमद. यकीनन दोस्तों ये थे अफगानिस्तान की कंप्लीट स्क्वाड, यानी एक बहुत बड़ा स्क्वाड ऐलान कर दिया अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने जो T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए यकीनन ये स्क्वाड होगा. लेकिन दोस्तों अगर बात करें अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिजर्व प्लेयर में अफसर जाज़ई और फरीद अहमद मलिक को भी लिया है. लेकिन दोस्तों अगर बात करें ओल्ड प्लेयर्स के बारे में, बात करें जिस तरह हम बार बार यही अपील करते रहे कि ओल्ड प्लेयर्स को ख़त्म किया जाए, लेकिन अभी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन अजीज़ुल्लाह फजली ने बहुत बड़े ओल्ड प्लेयर को वापस लाए हैं. अगर बात करें असगर अफगान जो यकीनन एक फ्लॉप क्रिकेटर है, यानी उसका टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, गुलबुद्दीन नायब यकीनन कुछ भी नहीं है, इसका टाइम भी ख़त्म हो चुका है, दौलत जदरान, शाहपुर जदरान यकीनन दोस्तों ये भी उसकी बॉलिंग अब इतने ख़ास नहीं है और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको वापस ला दिया है, जो मेरे हिसाब से एक बड़ा झटका बन सकता है अफगानिस्तान टीम को. हशमतुल्लाह शाहिदी तो दोस्तों ODI प्लेयर है, उसको T20 में भी शामिल कर दिया है. गुलबुद्दीन नायब, दौलत जदरान, शाहपुर जदरान, असगर अफगान और उस्मान गनी यकीनन दोस्तों ये प्लेयर मेरे ख्याल में इतने अच्छी परफॉर्मेंस इसने पेश नहीं किए, लेकिन इसको वापस टीम में ला दिया गया है. यकीनन दोस्तों ये ज़रूरी खबर आपको बताई थी. अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या ये अफगानिस्तान का अच्छा स्क्वाड है या बुरा, या प्लेयर को हटाना चाहिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को. अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें. खुदा हाफिज़.